गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। दोस्तों, क्या आप भी अपनी स्किन की पिगमेंटेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो? क्या आपकी स्किन पे भी बहुत ज्यादा दाग है और आपकी जो स्किन है वो डल हो चुकी है, डार्क हो चुकी है? तो आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके और आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है, आपकी स्किन डार्क है, डल है, वो भी दूर हो सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारी स्किन में पिगमेंटेशन क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी स्किन में पिगमेंटेशन होती है मेलानिन के ज्यादा प्रोडक्शन होने से। अगर हमारी स्किन में जो नेचुरल मेलानिन प्रोडक्शन है वो होता है तो वो हमारी स्किन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। लेकिन अगर हमारी स्किन में जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो उससे हमें हमारी स्किन प्रॉब्लम और पिगमेंटेशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेलानिन के बेनिफिट के बारे में, तो मेलानिन का जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है वो हमारी स्किन को सन बर्न से बचाता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और उसी के साथ हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी दूर रखता है। लेकिन मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो हमारी स्किन में अगर ओवर हो जाए, मीन्स ज्यादा हो जाए, तो ये हमारी स्किन को डल कर देता है, डार्क कर देता है और हमें पिगमेंटेशन के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मार्केट में जितने भी पिगमेंटेशन को दूर करने वाली क्रीम्स आती हैं, उनका मेन एक ही फंक्शन होता है कि वो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिससे हमारी जो पिगमेंटेशन है वो या तो लाइट हो जाती है या तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इन क्रीम्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आपको पिगमेंटेशन है तो आपको कौन सी क्रीम का यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो ये फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, उसी के साथ आपको अपनी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए अपनी डाइट पर भी फोकस करना होता है। अपनी डाइट में आपने ऐसे फ्रूट्स को शामिल करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। उसी के साथ आप होम रेमेडीज को भी ट्राई कर सकते हो अपने फेस से पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। शायद आप सोचते होंगे कि जो होम रेमेडीज होती है वो पिगमेंटेशन पे वर्क नहीं करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होम रेमेडीज वर्क करती है लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है वर्क करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जहां होम रेमेडीज वर्क करती है तो आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि जब हम होम रेमेडीज को ट्राई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर तो हमें इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो भले ही क्यों ना थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर आप होम रेमेडीज से अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेटर होता है। पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के साथ आपको सनलाइट को भी अवॉइड करना होता है। जितना आप सनलाइट को अवॉइड करेंगे उतनी जल्दी आपकी जो स्किन है वो रिकवर करेगी और आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेलानिन का जो ओवर प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आने से ही होता है। तो आपको जितना हो सके उतना सनलाइट को अवॉइड करना होगा। और दोस्तों, उसी के साथ आप अपने फेस पर लेमन, ऑरेंज, टमाटर का जूस हो गया, उसी के साथ हल्दी के फेस पैक आप बना सकते हैं या फिर अपने फेस पर आप एज ए टोनर यूज कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे, तो ये तो 100% वर्क करती है आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है बनाई हुई है। मुझे भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो मैंने अपनी पिगमेंटेशन को कैसे दूर किया और आप अपनी पिगमेंटेशन को कैसे दूर कर सकते हो, उन वीडियोस को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।